रंगरेस की आवाज न्यूज में आप सभी दोस्तों का खैर मकदम है मेरे दोस्तों। आज हम बात आपसे करेंगे जिंदगी की, जिंदगी की बात। जैसी जिंदगी हर इंसान आज जी रहा है, बोझ के तले दबे, हमारे रिश्ते कहीं ना कहीं अच्छे नहीं है, हमारे रिलेशन कहीं ना कहीं अच्छे नहीं हैं। हम देख रहे हैं आज के जिंदगी में बहू की सास के साथ में नहीं बनती है, बाप की बेटे के साथ में नहीं बनती है, माँ की बेटी के साथ में नहीं बनती है। बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम समझ के लेके चल रहे हैं, लेकिन डिस्कवर यूर सेल्फ करके एक प्रोग्राम अकोला में ऑर्गेनाइज किया गया था जमात इस्लामी हिंद अकोला की ओर से, जिसका 200 से 250 के करीब लोगों ने इसका लाभ लिया है। और इसका लाभ लेके जो इनकी ज़िंदगी में बदलाव आया है, मैं आपसे बता नहीं सकता हूँ, वो खुद लोग आपको अभी वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह। और आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम आज मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो हुआ है, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। अब जो ये प्रोग्राम हुआ है, इसका जो लोगों ने लाभ लिया है, माशाल्लाह, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लोगों की ज़िंदगी ये बदल दिया है इसने, 3 दिन के अंदर लोगों में बदलाव। आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ है दोस्तों। देखिए, लोगों की ज़ुबानी सुनिए, आइए हमारे साथ। जमात इस्लामी हिंद अकोला की ओर से डिस्कवर योर सेल्फ करके एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें लोगों की ज़िंदगी और मसलों को लेके बहुत अच्छा उनके मोटिवेशनल स्पीकर सद्दातुल्ला खान ने उनका मार्गदर्शन किया। इसमें लोगों को बताया गया कि सही इस्लाम के ज़रिए हम दिन ब दिन हमारी ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए और हम किस मकसद के लिए यहाँ पे आए। और ये चीज़ कुछ नवी है जो लोगों को करने को मिली, हर इंसान की ज़िंदगी में परिवर्तन इसने लाया। आइए बताते हैं। कल सर ने जो लास्ट के 5 मिनट्स में हमको एक्टिविटी करवाई थी, तो उस पे से मतलब ये समझ में आया कि सर ने बताया था कि कुरान जो है वो बयान करना बहुत आसान है और हमको जीना बहुत मुश्किल है। तो हमने लास्ट में वही जो है तो कुरान की इस आयत को जिया है, मतलब अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह आले इमरान आयत 134 में फरमाते हैं, वल काज़िमीना लगाइस, और जब गुस्से को पी जाते हैं, वल आफीना अनिल नास, और जो लोगों के कुसूर माफ़ कर देते हैं, वो अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है। तो कल लास्ट में हमने वही किया कि गुस्से को पी लिए, और जब तक हम गुस्से को पिएंगे नहीं उस वक्त तक हम किसी को माफ़ नहीं कर सकते। और गुस्से को हम नहीं पीते हैं तो क्या होता है, दिल हमारा काला हो जाता है गुस्से से, नफरत से, इल्ज़ाम तराशी से, धोखे से, और झूठ, गीबत, हसद, जलन, ये सारी चीज़ों से हमारा दिल जो है तो पूरा काला हो जाता है। लेकिन हमको क्या करना है, गुस्से को पीकर दिल को अपने साफ कर लेना है, अपने दिल के जालों को और जो धूल उस पर बैठ चुकी है उन सबको साफ करके जस्ट गिव अप, सब कुछ छोड़ देना है। फिर उसी के बाद में क्या होगा, नो पीस विदाउट फॉरगिवनेस, मतलब जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे उस वक्त तक ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा। वैसे फजूल थी ये खुला हाल देर में, वैसे फजूल थी ये खुला हाल देर में, अफसोस उम्र कट गई लफ्ज़ों के फेर में। और हमने ये एक्सपीरियंस किया कि जो भी आप सफ़र करते, जो भी आपके पास प्रॉब्लम है वो आपकी खुद की वजह से है, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। आप मतलब आप बोलते हैं कि मैं नाखुश हूँ, तो वो स्टेटमेंट आपका है, वो आपका ओपिनियन है और आप उसको बिलीव बना लेते हैं। और अगर आपको हेल्दी हैप्पी लाइफ जीनी है तो आपको फॉरगिवनेस लाना पड़ेगा, मतलब आपको सबको माफ़ करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए और अकाउंटेबल, मतलब आपको जो 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 चीज़ आप कर रहे हैं उसकी कॉन्सिक्वेंसेस देखना चाहिए, तो ये आप हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, आप पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो बाइट हम दे रहे हैं वो डिस्कवर योर सेल्फ, ये जो 3 रोज़ा वर्कशॉप रखा गया था जमात इस्लामी हिंद की जानिब से, और जिसमें सादतुल्ला खान जो है, डॉक्टर सादतुल्ला खान बेंगलोर से तशरीफ़ लाए थे लोगों को अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए। तो एक्चुअली ये इसलिए था कि माशरे में जो है तो हम जो हमारी फ़र्जी नेकियाँ होती है, नमाज, रोज़ा, हज, वो तमाम करते हैं और दूसरों तक दीन की दावत भी पहुँचाते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे घर में ही प्रॉब्लम्स होती है, हम अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ ही बेहतर तरीके से उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते, और उनके साथ उनके अंदर तमाम नेकियां वो करते हैं लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है वो इखलाक से खाली होते हैं, अना उनके अंदर टूट टूट के भरी है। ये हमारे साथ भी मामला होता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, उसके अंदर अना जो है तो वो बहुत तेज़ी से डेवलप होती है और अना हर इंसान में होती है। तो हम ये वर्कशॉप इसीलिए रखा गया कि इंसान जो है तो माशरे में तरक्की के लिए, उसको डेवलप करने के लिए जो सबसे पहले अपने आप को तरक्की याफ्ता करे, अपने आप को डेवलप करे और अपनी जो अना है, जो सबसे पहले जो अना को अपनी उभारता रहता है, लोगों के साथ मामला को ख़राब करता है, उससे ख़त्म करे और माशरे को एक बेहतरीन रोल मॉडल दे सके। क्योंकि हर मुसलमान जो है तो दुनिया में एक बेहतरीन रोल मॉडल है, अल्लाह का खलीफा है,
अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव है, तो अल्लाह जो है तो मर्सीफुल है, वो अना वाला नहीं है, और अल्लाह जो है तो लोगों को अल्लाह रहमान और रहीम है, तो इसलिए हम उसके खलीफा हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए हमें भी चाहिए कि उसकी मखलूक के साथ हम रहमान सलीके से पेश आएँ और मर्सीफुल तरीके से उनके साथ इंटरेक्ट करें, ताकि क्योंकि जो माशरे में खराबियाँ हो रही हैं वो दूर हो सके। जज़ाकअल्लाह खैर, यही मायसेल्फ कमरुज़्ज़मा, और मैं तहे दिल से जमात इस्लामी हिंद यूनिट आखुल्ला का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस 3 रोज़ा डिस्कवर योर सेल्फ प्रोग्राम के तहत हम लोगों को डॉक्टर सादतुल्ला खान साहब की रहनुमाई में बेइंतहा मुफीद और कामयाब तरीके से जो तहरीक चलाई है, इस वर्कशॉप से हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इंशाल्लाह सभी को अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के अंदर सास आपका प्रोग्राम हुआ और हमने ये सीखा है कि कभी ज़िंदगी में ज़िंदगी चेंज करना है अपने को, चेंज योर लाइफ यानी खुद की ज़िंदगी, मैं वर्ड अपने लाइफ से हटा देना चाहिए। डिस्कवर योर सेल्फ इस प्रोग्राम से मैं अपने आप को रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ और कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। मैं सादतुल्ला खान साहब और जमात इस्लामी हिंद अकोला का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक वंडरफुल प्रोग्राम यहाँ पर अरेंज करके हम लोगों को मोटिवेट किया, शुक्रिया। मैं महमूद उस्मान जमात इस्लामी की तरफ से ये डिस्कवर योर सेल्फ का प्रोग्राम रखा गया था, मैं इसको अटेंड किया और सादतुल्ला खान साहब ने इसके अंदर बहुत ही अच्छा मोटिवेशन दिया। मेरी जो 3 रोज़ा ज़िंदगी थी वो यकायक बदल गई। आज से तीन दिन हमने एक वर्कशॉप अटेंड किया है जिसका नाम है डिस्कवर योर सेल्फ, और इस वर्कशॉप के अंदर हमारा जो नज़रिया है दुनिया को देखने का, वो पूरा नज़रिया हमारा चेंज हो गया है, और हमने अपने लाइफ में जाके अपने आप के अंदर इंक्वायरी करके हमने देखा है कि हम हमारे लाइफ का क्या मिसिंग था, हमारे लाइफ के जो ब्लैंक स्पॉट थे जो हमको नज़र नहीं आ रहे थे। ये 3 दिन जो हमने वर्कशॉप अटेंड किया, वो 3 दिन में हमारे लाइफ के हमको वो ब्लैंक स्पॉट मिले जिनके बारे में हमको आज तक के पता नहीं था, और अब हमारी लाइफ यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, हमारा देखने का नज़रिया बेहतर हो गया है और हम अब दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखेंगे, बेहतर नज़रिए से देखेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्रोग्राम से काफ़ी फ़ायदा हुआ। मेरे में असल में मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, जल्दी गुस्सा आता था। अब मैं कोशिश करूँगा कि प्रोग्राम के ज़रिए अपने आप को उस सिचुएशन को एनालिसिस करूँ और रिलेटिव पर फोकस करूँ, और गुस्से में इंशाल्लाह काफ़ी सीखने की सर ने ट्रिक बताऊँ, मैं उस पर अमल करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ इस प्रोग्राम से। ये प्रोग्राम में ये सीखने के लिए मिला कि जो ये प्रोग्राम हर किसी के लिए बहुत बेहतरीन है, इस क्योंकि आज के जो माती दौर में जो इंसान के दिलों पे जो धूल जम गई है, जो माता प्रस्ती की, जो लोगों के बीच में दुश्मनियाँ हैं, जो दुनिया प्रस्ती आ चुकी है, तो ये तमाम चीज़ों से नजात दिलाती है असल में ये वर्कशॉप। और ये वर्कशॉप सिर्फ हम लोगों ने किया, जितना फ़ायदा हम लोगों को मिला, जितना हम लोग अपने आप को हल्का समझ रहे हैं, जितना यहाँ आए हुए लोग समझ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि ऐसा हर किसी को ये वर्कशॉप अटेंड करना चाहिए और कुरान से जुड़ना चाहिए। साथ ही साथ जो मामला जो यहाँ जो बताए हैं जो सादतुल्ला खान साहब ने, कि किस तरीके से हमने तमाम बोझों को निकाल देना है, गम के, फिक्र के, माजी के, मुस्तकबिल के, तमाम चीज़ों का निकाल कर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे अपने ताल्लुक मजबूत करना है, और अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करके इंसान अपने आप को हल्का फुल्का सब तमाम मामला जो है तो अल्लाह से मजबूत करके ताल्लुक बिल्लाह को मजबूत करना है, अपनी रूह को मजबूत करना है और अल्लाह के पसंदीदा बंदे बनना है। ये हमने सीखा है और बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि हर कोई इससे फ़ायदा उठाए, ये हमारी। मेरा नाम मोइन है और मैं मेडिकल कंसल्टेंट हूँ और मेरा जर्नलिस्ट का भी थोड़ा बहुत काम है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफ अल्लाह के लिए, और मैं अल्लाह उसके रसूल का सबसे बड़ा करोड़ों शुक्र एहसान अदा करता हूँ कि हमारे इसमें से सादतुल्ला खान साहब ने हमारे लिए एक स्टैंड लिया है, हमारी कम्युनिटी के लिए उन्होंने एक स्टैंड लिया, क्योंकि मैंने इससे बहुत बड़े बड़े सेमिनार और बहुत ज़्यादा फीस दे के 20,000-20,000 रुपये फीस दे के मैंने किया हूँ, लेकिन मैं उसमें चुनिंदा मुस्लिम्स को देखता था, एक या दो, और वो उनके तरीके से देते थे सेमिनार, इस्लाम और अल्लाह के वो कहीं जोड़ते नहीं थे, दिल को कहीं नहीं जोड़ते थे, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल करोड़ों शुक्र एहसान से मैं सर का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे लिए स्टैंड लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए इन्होंने एक नई चीज़ हमको दी है कि हमारी अल्लाह से कैसी जुस्तुजू होना चाहिए, कैसा हमें अल्लाह से जुड़ना चाहिए, हमारा मकसद क्या है, हमारी इबादत क्या है। तो सर ये सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे अंदर ये चीज़ आई है
मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे हमारे अंदर ये चीज आ गई है तो हमारी कहीं ना कहीं कोई हमारी बहन होगी, कोई हमारा भाई होगा, कहीं हमारा हस्बैंड होगा, वो अंदर ही अंदर उनके चल रहे होंगे। अभी अपन यहाँ पे वर्क कर रहे हैं लेकिन उनके जब अपन जाते होंगे वहाँ पे घर पे तो उनके एकदम रैकेट चालू हो जाते हैं, उनका पीछे शैतान चालू हो जाता है, वो अपने को बोलते हैं। तो हमने उनके लिए भी ये सोचना है और इसके लिए आगे हमको करना चाहिए। अगर आप ये करना चाहते हैं आगे तो, लेकिन हमारे लोगों को भी और कराना है, हमारी जिंदगी के अंदर एक पूरा ये ढंग से हमारा एक प्लान बन जाए, हम सभी रूल्स पे चले, लोग हमको देख के वो चीज़ और हासिल करने के लिए आगे बढ़े। तो शुक्रिया सर, मैं दिल से शुक्रिया करूँ, मैंने कोई ड्राइव नहीं लाया लेकिन मेरे दिल के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर योर सेल्फ वर्कशॉप जो अकोला में हुआ था, बहुत शानदार, कम से 250 मेंबर्स जो पार्टिसिपेंट्स थे, हर एक के तासुरात और हर एक जो पहला दिन जो आए और आखिरी दिन जो गए, पूरी उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली आई है। ये वर्कशॉप है जो हम 2002 से कर रहे हैं, ये 393 वर्कशॉप है अकोला में, और ये वर्कशॉप अखलाक के ऊपर काम करता है और रिश्तों पे काम करता है कि आज इंसानियत मर चुकी है और अखलाक गिर चुके हैं। आज हर घर घर में फितना फसाद हो गया है, हर माँ बाप परेशान हैं, हर जगह परेशानी के परेशानी है। तो यह वर्कशॉप एक मसला हल होता है कि यह वर्कशॉप से सुकून खुशी आती, और यह वर्कशॉप का मकसद है खुदा की खुशनुदी हासिल करना है। तो यही हमारा मकसद है, और आपस में भाईचारगी मोहब्बत, और ये पैगाम देना कि सारे इंसान एक फैमिली है और हर इंसान को इंसान जैसा देखो और इंसान जैसा सलूक करो, यही मोहब्बत है, यही पैगाम है, ताकि हम आपस में मोहब्बत रहेंगे। खुदा है, खुदा रहे तो सुकून आएगा, सुकून आए तो रहमत अल्लाह की नाजिल होगी।